सज्जादे साहब ने बड़ी असीम फरमाइश की है। वैसे तो इस गुलाम को 24 साल का वक्फा हो गया है इस फने कव्वाली में, और बहुत कुछ नवाजिशें हुई अल्लाह उसके रसूल के बुजुर्गाने दीन की माँ की दुआओं से। मगर जब ये जिक्र किया जो फरमाइश हजरत की है यानी जनाब अबू तालिब को, उसके बाद दुनिया में एक अलग पहचान बनी, और वो पहचान बनी गई अबू तालिब के घराने का मुसलमान हुआ। और ये फिक्र इसलिए मेरी ये फितरत है, मैं जब शेर भी पढ़ता हूँ तो किसी का नाम लेना ज़्यादा पसंद नहीं करता, कोई ऐसा शेर, क्योंकि मुझे यकीन है कि शेर जहाँ से कह रहा हूँ वो उस तक पहुँचेगा जरूर, ये यकीन है। इसलिए किसी का भी नाम लेने से कोई मकसद नहीं है, लेकिन बखूबी आप समझेंगे मेरी बात को कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले एक बदबख्त ने हिंदुस्तान में, इस वक्त तो नहीं है, हिंदुस्तान से उसको भगा दिया, उस बदबख्त ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा, नाउज़ बिल्लाह। तो मैंने कहा बड़ा हैरत का मकाम है, उस पर ये रुबाई हुई जो रुबाई मैं इस कलाम को शुरू करने से पढ़ता हूँ पहले। तो खैर प्रचार उसका भी है, प्रचार हमारा भी है, क्योंकि दुनिया में कायनात में दीन दो ही तो बाकी है, इस वक्त कायनात में दीन दो ही बाकी है, एक यजीदी और एक हुसैन, दो दीन है, करबला के बाद तो दो दीन है, एक यजीदी है एक हुसैनी है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो पिछले 4 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग यजीद के नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। जी जी जी, तो ये गौर फिक्र की बात है। शेर समाप्त फरमाए, मुफ्ती ये किसके कुफर का ऐलान हो गया, यकीनन तुम्हारी अक्ल को, पहले मैंने कहा था शायद तुम्हारी अक्ल, मगर जब मुझे थोड़े बहुत ज्यादा दिखे तो मुझे यकीन हो गया, मैंने शायद नहीं या तो यकीन है, यकीनन तुम्हारी अक्ल को हिजियान हो गया, यकीनन तुम्हारी अक्ल को हिजियान हो गया। मुफ्ती ये किसके कुफर का ऐलान हो गया, यकीनन तुम्हारी अक्ल को हिजियान, तुम पागल हो गए हो, हिजियान हो गया क्यों, जिसने नबी को पाला वो काफिर है आज तक, और कातिल हुसैन तुम्हारी नजर में मुसलमान हो गया, और कातिल हुसैन तुम्हारी नजर में मुसलमान हो गया। अफसाना बन जाए तो क्या किए, क्यों क्यों अपने मौला पे दियो, अपने मौला पे दियो, जान से कुर्बान हूँ अपने मौला पे शर्मा रहा, हुसैन होने में शर्माए।
बीमारी चल रही है, कई लोग कहते हैं बहुत खराब मामला चल रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं। मैंने कहा भाई मरना तो तय है, बचना तय नहीं। कुल्लू नफ्से जाएगा मौत, ये ईमान है हमारा। अल्लाह ने जिसको जला के मारना उसको डुबा के नहीं मारेगा, और जिसको लिख दिया है डूब के मरेगा वो जल के नहीं मरेगा। जिसको जैसी मौत अल्लाह ने लिख दी आई, तो एक जिंदगी है, मरना तो कन्फर्म है हर आदमी का, मैं भी आप भी किसी ना किसी जाना ही ना, तो एक जिंदगी है, इन्हें वेद के नाम करो और फिर जीरो बस। काय के फतवे और काय की तकदीर है, एक जिंदगी अली के नाम करो खत्म, मरना तो एक दिन है ही। अहले बैत के वफादार बन के मरे ना, क्या मकसद है? अपने मौला पे दिलो जान से कुर्बान हुए, क्यों कोशिश कोशिश तो हर एक दौर में की गई, लेके खतरे के मुकद्दर में सफलता नहीं आया। साहब आप समझे नहीं, हमने जो ये बात कही अबू तालिब के घराने का मुसलमान,
इसलिए नहीं है कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, वो कब कहा था, करबला, क्या शेर कहा था कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। तो मैंने कहा भाई वो लोग भी रसूल को मानने वाले थे जो हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आए, अल्लाह और रसूल को मानते थे वो लोग, तो अब फर्क कैसे होगा करबला के बाद? तो फर्क ऐसे होगा कि एक औलाद तो अबू सुफियान की है करबला में और एक औलाद अबू तालिब की। अब आपको ये देखना है कि आप किसके साथ हैं। इसलिए अबू तालिब के घराने का वफादार हूं। क्यों? जब से अली के बाद